इंजीनियरिंग कॉलेज जेटीएस हम लोग बना रहे हैं द रियल आर्टिस्ट ऑफ इंडिया। रियल आर्टिस्ट कौन है इंडिया का आप लोग? क्या मदद चाहिए जल्दी बोलो। रियल आर्टिस्ट ऑफ इंडिया में लोग ये बना रहे हैं, तो द रियल आर्टिस्ट ऑफ इंडिया कौन है? इंडिया का रियल आर्टिस्ट कौन है आपके हिसाब से? कुछ हमको ऑप्शन दो। आप क्या वर्टिकल व्यू और एजुकेशनल व्यू? कंस्ट्रक्शन अबाउट यही चीज की कंस्ट्रक्शन या जो अभी जिसको आज के पब्लिक आज के लोग केवल आर्टिस्ट मानते हैं, मतलब मैम जो पत्थरों पे जो नक्काशी होती है वो उसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं तो बता दीजिए। आपको मतलब रियल आर्टिस्ट मतलब ऐसा करते हैं, इतना मेहनत करते हैं वो लोग पत्थरों पे जो नक्काशी करते हैं, मतलब बिल्कुल है। बट उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जितना उनकी मेहनत होती है, जितना उनका आर्ट होता है, उसके हिसाब से उनको रिस्पांस नहीं आता है। किनारे बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज बिकते हैं, जबकि वो सब जो आप देखो एक सिंपल टेलर बनाता है उसके कपड़े की कोई वो नहीं होती, बट एक वही जो मूर्ति बनाते हैं उनकी ओरिजिनलिटी को पहचानना बहुत बड़ी बात है। अभी जैसे भी देख लो ताल की बात करें तो दिखाया ना कि आकाशवाणी पे एक धुन आता था, उसी को लेकर के एक म्यूजिक क्या कहते हैं कंपोजर ने उसको लिया और उसको अपने नाम से भेज दिया, ओरिजिनल चीज किसी और की और उसके बाद फिर फायदा कोई और हुआ। तो उसी चीज को लेकर के मान लो अभी जो मूर्तिकार है चित्रकार है अगर ये सब चीजें काम ये लोग करते हैं और उसी का जस्ट नकल पेंटिंग ही बना लो और उसको करोड़ों में बेच लगा दो। मैम जो रोड पे आपने देखा होगा मूर्ति वूर्ति बनाते हैं तो मैम बहुत गरीब है वो, मतलब एक ही टेंट के अंदर वो रहते हैं, तो आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? कुछ भी मतलब उनकी मदद कैसे कर सकते हैं या फिर कुछ भी? देखो उनके जैसे आप लोग ये वर्क कर रहे हो ना, सबसे बड़ी बात है कि आपने इस टॉपिक को उठाया, इस पे काम करना है, इसलिए आप ही को आप बहुत बड़े थैंकफुल हम होंगे आपके लिए कि आपने इस मुद्दे को उठाया कि कौन है क्या है, इस पर सोचना भी टाइम नहीं है ये ना कि सोचता नहीं है कोई कि ठीक है चलो प्रोफेशनल जॉब है अपने काम के लिए पैसा निकालो ये करो वो करो, तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग ही इस चीज़ को समझ करके उनको दूर किया जा सकता है, उस आर्ट को समझ करके हम दूर कर सकते हैं। हाँ ये आर्ट है, जब जाए चाइनाज का बना हुआ सारा सामान करके घर में लाकर भर दे हमारे आर्टिस्ट का, मशीन की बनी हुई चीजें हम लाकर के सजाते हैं लेकिन जो ओरिजिनल चीजें हैं वो हमारी खत्म हो जाती है। आर्ट को इंडिया को समझने पड़ेंगे। थैंक यू।